हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ एमजे। फ्रेंड्स, कल मुझे दो सवाल ऐसे पूछे गए जो रिलेट करते हैं ब्लैक फंगस से। और आप सभी को पता है कि ब्लैक फंगस नाम की बीमारी अभी आजकल आपको न्यूज़पेपर्स में हर जगह देखने को मिल रही है और लोग इससे डरे हुए हैं। और ख़ास करके गार्डनर्स में फ्रेंड्स ये सवाल उठ रहा है अभी कि ब्लैक फंगस से क्या हमें जैसे कि हम मिट्टी में काम करते हैं तो हमें ब्लैक फंगस लग सकता है या नहीं लग सकता। तो ये कन्फ्यूजन बहुत सारे गार्डनर्स में है। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जो ब्लैक फंगस है, ये ब्लैक फंगस हवा में भी मौजूद होता है और मिट्टी में भी मौजूद होता है। तो ये सुन के बहुत सारे लोग डर गए होंगे कि मिट्टी में मौजूद होता है, लेकिन लोग ये सुन के नहीं डरेंगे कि हवा में भी मौजूद होता है। जो गार्डनर्स होते हैं फ्रेंड्स, जो मिट्टी में काम करते हैं, तो उनको तो पहले डर लग जाएगा, तो मिट्टी में होता है ब्लैक फंगस तो हमें गार्डनिंग छोड़ देनी है। तो ये चीज़ गलत है, 100% रॉन्ग चीज़ है। क्योंकि अगर हवा में भी ब्लैक फंगस है तो क्या आप हवा लेना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। आप बाहर जाना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। तो ये चीज़ आप क्लियर हो जाइए कि ब्लैक फंगस हवा और मिट्टी में मौजूद होता है, लेकिन ये ब्लैक फंगस आपको लगेगा या नहीं लगेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये जो चीज़ फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूँ तो ठीक नहीं रहेगा, आपको फ्रेंड्स एक प्रोफेशनल डॉक्टर ही समझा पाएगा कि ब्लैक फंगस आपको लगेगा या नहीं लगेगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स, मैंने यूट्यूब की एक चैनल है, तो उनको वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर है, तो उनका लिंक फ्रेंड्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो वीडियो का लिंक। तो आप वो वीडियो आराम से, पूरी वीडियो बिना स्किप किए देख लीजिए। अगर आप गार्डनर हो, अगर आप मिट्टी में काम करते हो, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको ब्लैक फंगस होगा या नहीं होगा। और ऐसे कोई भी आपके अंदर ऐसे कुछ भी ऐसी बीमारी वगैरह हो तो बाद में आप सतर्क हो जाइए, तो वो हिसाब से आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो गार्डन में, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि गार्डन में बहुत सारी तरह के पेस्ट होते हैं, फंगस होते हैं, तो ये जो पेस्ट और फंगस हमें लग जाए तो क्या हम बीमार हो सकते हैं? तो उसका भी ये जवाब है कि बिल्कुल नहीं। क्योंकि प्लांट पे जो पेस्ट और फंगस लगते हैं वो आपको असर नहीं करेंगे अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो। अगर आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो बाद में ब्लैक फंगस भी आपको नहीं लगेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, तो बाद में ब्लैक फंगस आपको नहीं लगेगा। ब्लैक फंगस हवा में भी मौजूद है, ये चीज़ मत भूलिए। सिर्फ मिट्टी में ही नहीं, ब्लैक फंगस हवा में भी मौजूद है। अगर मैं आपके साथ अभी इधर बात कर रहा हूँ और हवा में ब्लैक फंगस लग रहा है और मैं मिट्टी में भी काम करता हूँ तो मिट्टी में भी ब्लैक फंगस है, तो क्या मैं मर जाऊँगा? अगर ऐसा हुआ तो कब का फ्रेंड्स मैं मर गया होता और आज आप मेरी जो वीडियोज़ है उसके कॉमेंट सेक्शन में ओम शांति करके कॉमेंट्स कर रहे होते। तो ये जो चीज़ है फ्रेंड्स, ये चीज़ समझिए कि ब्लैक फंगस जो बीमारी है, वो बीमारी उन लोगों को ही लगती है जिसकी इम्यूनिटी वीक हो। तो आपको करना क्या है कि आपको अपनी इम्यूनिटी मेंटेन करनी है। अब ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ फ्रेंड्स कि अभी जो कंडीशन चल रही है हमारे देश में, जो कंडीशन चल रही है, कोरोना की जो महामारी चल रही है और इतने सारे लोग मर रहे हैं, इतने सारे लोग बीमार हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में हमें कैसे रिएक्ट करना है, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप वीक हो जाओगे, अगर आप ये मानना स्टार्ट कर लोगे, अगर आप डर जाओगे हर एक चीज़ से, कोरोना से डर जाओगे, अगर आप ये ब्लैक फंगस से डर जाओगे, तो बाद में आप जी नहीं पाओगे। आप अपनी हार वहाँ पे ही मान लोगे, यानी कि यू विल बी अ लूज़र। 50% आप अपनी हार वहाँ पे ही मान जाओगे इन बीमारियों के सामने। देखिए, हमें अपनी लाइफ जीनी है, मरना तो सबको है फ्रेंड्स। लाइफ और डेथ ये एक ऐसी चीज़ है जो हर एक की ज़िंदगी में आती है। किसी के घर में कोई नया बच्चा आता है और किसी के घर में कोई बुज़ुर्ग चला जाता है। इससे फ्रेंड्स हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है नेचर का जो हमें एक्सेप्ट करना है। तो हमें मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें करना क्या है, यानी कि अगर हम गार्डनिंग भी करना चाहते हैं, बाहर भी जाना चाहते हैं, एक ताज़ी हवा लेना चाहते हैं, पेड़ पौधों की फ्रेश ऑक्सीजन लेना चाहते हैं और साथ में अपने गार्डन में भी फ्रेंड्स हम अपने प्लांट्स को ग्रो करना चाहते हैं, तो हमें करना क्या है ताकि हम ये कोरोना और ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से बचे रहें? तो करना एक ही चीज़ है, सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज़, ये सारी बीमारियों से भी बड़ी चीज़, और वो चीज़ है फ्रेंड्स आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस। विल पावर डाउन मत होने दीजिए, ये मत सोचिए कि आपको ये बीमारी लग जाएगी। तो आपको अपना विल पावर बढ़ाना है, विल पावर बढ़ाइए। विल पावर अगर आपका स्ट्रांग होगा तो कोई भी बीमारी को आप रिकवर कर सकते हो।
अगर आप अपना विल पावर नहीं बनाओगे, अगर आप ये सोचोगे कि मैं इससे मर जाऊंगा, ये बीमारी मुझे लग जाएगी, वो बीमारी मुझे लग जाएगी, तो बाद में आप अपनी लाइफ की हार वहाँ पे ही कर लोगे। यानी कि फ्रेंड्स, आप वहाँ पे ही 50% हार जाओगे। तो जैसे कि अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, हमें वॉरियर की तरह जीना है, एक सोल्जर की तरह जीना है, हमें लड़ते लड़ते मरना है, क्योंकि मौत तो सबको आने वाली है। अगर आप लड़ते लड़ते मरोगे तो बाद में आप एक आपको शहीद बोला जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लड़ते लड़ते मरोगे तो आप शहीद माने जाओगे, लेकिन अगर आप डर के मरोगे तो बाद में आपको डरपोक बोला जाएगा। तो ये चीज़ फ्रेंड्स समझ लीजिए, आपको डरपोक नहीं बनना है और डरपोक बन के हमें नहीं मरना है, हमें मरना है एक वॉरियर की तरह, एक सोल्जर की तरह। तो आपको अपना विल पावर हमेशा स्ट्रांग रखना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर हम अपना विल पावर स्ट्रांग रखेंगे तो क्या हमें केयर नहीं करनी है? ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी गलत सोच है आपकी। विल पावर का तो होना ज़रूरी ही है, लेकिन आपको खुद की बॉडी की केयर करनी होगी। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी वो बाद में गार्डनिंग कर ले, या तो ताज़ी हवा लेने बाहर वॉकिंग के लिए जाए, जॉगिंग के लिए जाए, योगा के लिए जाए, प्राणायाम के लिए जाए, कुछ भी हो जाए, आपको ब्लैक फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है। अगर आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग रखोगे तो बाद में आपको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। तो ये चीज़ समझ लीजिए। तो आपको करना ये है कि आपको अपने बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन करनी है। बॉडी की इम्यूनिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये चीज़ आप YouTube पे जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स वगैरह है उनकी वीडियोस देख सकते हैं और वहाँ से आप नॉलेज ले सकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिंस है जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, एक्सरसाइज है, तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। तो आपको करना ये है कि आपकी बॉडी को मेंटेन करना है, बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करना है। भले ही आप डायबिटिक पेशेंट हो, या तो आप ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हो, या तो आप हार्ट पेशेंट हो, बीमारी तब तक आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। मैं ये ब्लैक फंगस और कोरोना की बात करता हूँ, तब तक आपकी बीमारी, ये जो बीमारी है, आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती जब तक आपने खुद का ध्यान रखा हो। अगर आपने खुद का ध्यान रखा हो, अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हो, तो अगर आप डेली बेसिस पे अपने डायबिटीज़ को मेंटेन करते हो, डायबिटीज़ लेवल को एक नॉर्मल लेवल पे मेंटेन करते हो, तो बाद में कोई भी बीमारी है, ब्लैक फंगस जैसी बीमारी भी आपको नहीं लगेगी। लेकिन आप केयरलेस हो जाते हो अगर आप अपनी बॉडी का खुद ही ध्यान नहीं रखते, डायबिटीज़ आपको बढ़ती जा रही है, और ऐसे में फ्रेंड्स आप गार्डनिंग करते हो, बाहर घूमने जाते हो, तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो बाद में ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी। तो इसमें गलती किसकी है? गलती है आपकी, क्योंकि आपने खुद की बॉडी का ध्यान नहीं दिया और ये बीमारी आपको लग गई। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई भी काम करते हो, भले ही वे गार्डनिंग से रिलेटेड हो, या तो आप कहीं पे भी बाहर घूमने जाते हो, वॉकिंग करते हो, या तो कहीं कुछ भी काम करते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खुद का ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, अगर आप गार्डनिंग करते हो, तो गार्डनिंग जैसे ही आप कंप्लीट करते हो, मिट्टी में हाथ डालते हो वगैरह, तो उसके बाद आप साबुन से हाथ धो दीजिए। अगर आपको ग्लव्स नहीं पहनना है, जैसे कि मैं ग्लव्स नहीं पहनता कभी भी फ्रेंड्स, मैं ग्लव्स नहीं पहनता क्योंकि ग्लव्स से मुझे इरिटेशन होती है। इरिटेशन यानी कि जैसे ही मैं ग्लव्स पहनता हूँ तो मेरे हाथ के अंदर इतना पसीना जमा हो जाता है कि मुझे ग्लव्स निकालने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूँ, और मैं बिना ग्लव्स के ही ज़्यादा कंफर्टेबली अपने गार्डनिंग कर सकता हूँ। तो ऐसे में फ्रेंड्स, जब भी आप ग्लव्स वगैरह पहनते हो, तो या तो आप ऐसे में अगर आप ग्लव्स नहीं भी पहनते हो, तो आप अपने हाथ को साबुन से अच्छी तरह धो दीजिए जैसे ही आप अपने टेरेस से नीचे आते हो, या तो अपने टेरेस पे ही एक बार पानी से अच्छी तरह हाथ धो लीजिए। और अगर आपको ये प्रॉब्लम लग रही है कि आपके मुंह के अंदर मिट्टी वगैरह जा रही है, तो मास्क पहनिए। मास्क तो अभी हर एक के लिए कंपलसरी हो चुका है, बिना मास्क पहने आप मत बैठिए। अगर आपको आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक हो, अगर आप अभी अभी रिसेंटली कोरोना से रिकवर होके आए हो, तो ऑब्वियसली ऐसे लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होगी, तो आपको खुद की केयर करनी होगी, ऐसी दवाई लेनी होगी जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। विटामिन सी वगैरह सबको आपको पता है कि विटामिन सी से और काढ़ा पीने से आपकी जो इम्यूनिटी है वो मेंटेन रहती है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी, क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है वो माहौल के मुताबिक फ्रेंड्स हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी।
अगर हम अपनी पुरानी लाइफस्टाइल को लेके ही अभी तक चलते रहेंगे तो बाद में आप ये सारी चीज़ें आपके ऊपर आसानी से लग सकती है। मैं खुद फ्रेंड्स मैं अपनी बॉडी की केयर करता हूँ, सुबह फ्रेंड्स मैं काढ़ा पीता हूँ या तो विटामिन सी लेता हूँ, मेरे या पतंजलि की जो कोरोनिल दवाई है जो मेरे घर में सभी लोग लेते हैं तो मैं भी वो लेता हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ये सारी इम्यूनिटी बूस्टर्स वगैरह मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, तो इनमें से ये कोई भी दवाई आप लेते रहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये जो दवाई आप लेते हो तो उसको भी फ्रेंड्स एक रिकमेंडेड डोज में लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये जो कोरोनिल वगैरह दवाई है तो आप एक बार कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए, या तो जहाँ से भी आप ये दवाई लेते हो वो दवाई की दुकान में आप एक बार कंसल्ट कर लीजिए कि इसका डोज हमें कितना लेना है। कोई भी दवाई का ओवरडोज नहीं करना है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी दवाई आप लेते हो उसका ओवरडोज नहीं करना है। दवाई रिकमेंडेड जो भी डॉक्टर ने जो रिकमेंड की है या तो दवाई के ऊपर जो रिकमेंडेड डोज है वो हिसाब से ही लेना है, या तो उससे कम आप ले सकते हो, उससे ज़्यादा तो नहीं लेना है। अगर आप ज़्यादा लोगे तो भी आपको प्रॉब्लम है। तो इन शॉर्ट ये सारी चीज़ों की एक ही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ब्लैक फंगस बीमारी है वो सॉयल में मौजूद होती है, साथ में हवा में भी मौजूद होती है। तो अगर आप गार्डनिंग करते हो तो ये सोच के गार्डनिंग मत छोड़िए कि सॉयल में ब्लैक फंगस है, क्योंकि ब्लैक फंगस हवा में भी मौजूद होता है। तो आप ये तो नहीं बोल सकेंगे कि भाई मुझे हवा लेना ही बंद कर देना है, तो बाद में आप तो उठ जाएंगे। तो ये जो चीज़ है ये समझिए, कोई भी बीमारी है, बीमारी तो हर जगह हमारे आसपास फैली हुई है, हमारे आसपास खड़ी हुई है, लेकिन सबसे पहले तो हमें अपना विल पावर डाउन नहीं करना है। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, हमें अपनी बॉडी की केयर खुद करनी है, हमें अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखना है। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हो, या तो आपको कोई भी दूसरी बीमारी हो, तो आपको वो बीमारी को कंट्रोल में रखनी है, और उसके लिए आपके अंदर विल पावर होना ज़रूरी है। साथ में जो भी डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दी है और जो भी आपको दवाई लिख के दी है वो आपको रेगुलरली लेते रहना है, जिसकी वजह से आप हेल्दी रह सकते हो। तो जो ये ब्लैक फंगस से रिलेटेड अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज़्यादा आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए, तो मैंने वीडियो का लिंक एक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो एक प्रोफेशनल डॉक्टर है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको भी आइडिया आ जाएगा कि ब्लैक फंगस एक्चुअली होता क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा मेरी बातों से। तो आप गार्डनिंग अगर छोड़ना चाहते हो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं कभी भी अपनी लाइफ में गार्डनिंग नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये मेरी लाइफ है। अगर मैं अपनी गार्डनिंग छोड़ दूंगा तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उल्टे सीधे रास्ते पे चला जाऊंगा, मेरा माइंड टोटली डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं गार्डनिंग नहीं छोड़ पाऊंगा, गार्डनिंग मेरी लाइफ है और इसको मैं कभी भी नहीं छोड़ पाऊंगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि गार्डनिंग छोड़ दूँ ये ब्लैक फंगस की वजह से, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो चीज़ अगर आप समझ गए होंगे तो बाद में आप गार्डनिंग नहीं छोड़ोगे। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ प्लांट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा तो मैं आपको ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड तो मैं आपको बातें नहीं बता सकता। जो भी आपको हेल्थ से रिलेटेड या तो ब्लैक फंगस के रिलेटेड या तो बीमारी से रिलेटेड आपको बातें करनी है तो वो आप कोई भी एक प्रोफेशनल डॉक्टर के साथ कर सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और मुझे यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।